नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करना दोस्तों हर क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के एक घरेलू क्रिकेटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ स्टेडियम में मैच देखने पहुंचा और ऑस्ट्रेलियाई टीम ने दोस्तों उसका इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया। दोस्तों 2007 में माइकल क्लार्क की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचों वनडे सीरीज खेलनी थी। उससे पहले दोस्तों एक T20 पर्थ में खेलना था और इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया और टॉस से ठीक पहले दोस्तों ब्रैड होग अनफिट हो गए। अब टीम के पास दोस्तों बल्लेबाजी के लिए केवल 5 ऑप्शन बचे और उसी समय मैनेजमेंट को दोस्तों पता चला कि घरेलू क्रिकेटर ल्यूक पॉमर्स बैक दोस्तों गर्लफ्रेंड के साथ स्टेडियम में मैच देख रहा है। उन्होंने दोस्तों ड्रेसिंग रूम में उसे बुलाया और उसके बाद दोस्तों उनका इंटरनेशनल डेब्यू करवा दिया और दोस्तों 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे ल्यूक पॉमर्स बैक ने एक छक्का और एक चौके की मदद से दोस्तों 7 बॉलों में 15 रन बना दिए। यह क्रिकेटर दोस्तों IPL में भी खेल चुका है और 2008 में दोस्तों पंजाब किंग्स की ओर से उन्होंने डेब्यू किया और 2013 में दोस्तों आखिरी बार रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के लिए खेला।